गाइस आप मेहनत करके ढूंढ रहे हो आइडिया और ये लोग कॉपी कर रहे हैं इतने बड़े बड़े चैनलों के, शर्म आनी चाहिए। सो गाइस अभी आप लोग ये जो थंबनेल देख रहे हो मेरे चैनल का थंबनेल है, तो आप लोग इस थंबनेल को अच्छे से नोटिस कर लेना कि इस पे क्या लिखा है और कौन से फॉन्ट में लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे व्यूज़ भी देख लेना कि व्यूज़ किस तरह से शो किए गए हैं। और अभी आप लोग ये जो थंबनेल देख रहे हो ये लक्की पांडे 2M जो चैनल है उसने कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड किया है। इसके चैनल पर अभी जो है 80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो यार सच में अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो या यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लेना, क्योंकि जिस तरह से भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हो उस तरह से यूट्यूब से पैसा कमाना बहुत दूर की बात रहेगी। आप अपने चैनल को कभी यूट्यूब पर ग्रो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस तरह से आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो वो तरीका ही गलत है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लेना, इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। कोई भी छोटा बड़ा क्रिएटर आप ही हो, आपका कॉपी अगर मैं करने लगूँ तो आपकी वीडियो पे व्यूज ही नहीं आएंगे, कौन देखेगा? आप मेहनत करके ढूंढ रहे हो आइडिया और ये लोग कॉपी कर रहे हैं इतने बड़े बड़े चैनलों के, शर्म आनी चाहिए। कुछ भी तो आ गया एक और नए वीडियो के साथ वापिस। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा, लक्की पांडे 2 मिलियन जो चैनल है उसने मेरे चैनल के थंबनेल को कॉपी किया है। और एक और प्रूफ मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना वीडियो थोड़ा सेक्शन ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 वीक पहले मैंने जो है इस वीडियो को अपलोड किया था और जो लक्की पांडे इसने जो 22 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है कि पहले इस थंबनेल को मैंने बनाया और इस थंबनेल को मैंने यूट्यूब पर पहले अपलोड किया है, उसके बाद लक्की पांडे जो 2 मिलियन है उसने जो है मेरे थंबनेल को कॉपी किया है। और यहाँ पर उसके चैनल पर 80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी है और वो भी यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए इसके ऊपर वीडियो बनाता है। तो यहाँ पर कॉपी किया उस बात के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने एक वीडियो में बताया था कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो जो है छोटे यूट्यूबर के कंटेंट को कॉपी करते हैं। मेरी वीडियो पे व्यूज़ क्यों आएंगे भाई? अब मेरी वीडियो पे जो और व्यूज़ आने थे वो कहाँ जाएंगे? अब तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि बड़े चैनल ने तो डाल दिया और उन लोगों को कुछ क्रेडिट भी नहीं देते और जो छोटे यूट्यूबर हैं उन लोगों को दबा देते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ वो भी हम लोग के साथ कर रहा है, उसने जो मेरे चैनल का थंबनेल को कॉपी किया और अपने चैनल के वीडियोस पे लगा दिया। और अगर देखा जाए तो मैंने 2 वीक पहले वीडियो अपलोड की थी और मुझे जो उस वीडियो पे 1,000 ही व्यूज़ आए हैं, और जबकि उसने 22 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया तो उसके वीडियो पे जो है 7,000 से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। अब यहाँ पर जब भी कोई भी यूज़र उसके थंबनेल को देखेगा तो वो मेरे वीडियो को वापस देखने क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का थंबनेल जो एग्जैक्ट मैच है। आप लोग यहाँ पे प्रूफ में देख सकते हो कि ये जो थंबनेल है मैंने खुद से पिक्सल ऐप से बनाया था। अब जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो जो तरीके से आप वर्क कर रहे हो वो तरीका गलत है। वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। जो लक्की पांडे 2 मिलियन चैनल है वो किसी भी तरह का कंटेंट बनाता हूँ मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, पर यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। वो अपने चैनल पर अक्सर ऐसे वीडियो बनाता है जैसे कि एक ऐप से 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे या एक क्लिक में 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे, एक क्लिक में 50,000 व्यूज़ बढ़ाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि लक्की पांडे का चैनल सिर्फ 83 डेज पुराना है। अगर एक दिन में एक सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे हैं तो उसके चैनल पर अभी तो लाखों में या मिलियन में व्यूज़ होने चाहिए थे या सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, पर उसके चैनल पर अभी करंटली अगर आप देखोगे तो 83.7 के कुछ सब्सक्राइबर है, यानी कि लक्की पांडे को आए हुए सिर्फ 83 डेज हुए होंगे। क्योंकि अगर एक दिन में 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ते तो वो अपने चैनल पे भी बढ़ा लेता, तो यहाँ पर ये तो बात एकदम ही गलत साबित हो चुकी है। अब एक और सवाल मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, अगर आप लक्की पांडे के फॉलोअर हो या उसके वीडियोस को देखते हो तो पहले आप लोग वीडियो को देखना, अगर आपको डिसलाइक करना है कमेंट में क्या करना है वो आप लोग जो बाद में डिसाइड कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ, जब भी आप अपने YouTube वीडियो में किसी का भी म्यूज़िक को यूज़ करते हो तो जैसे आप लोग वीडियो को अपलोड करते हो वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम आ जाती है। अब YouTube का जो AI सिस्टम है यानी कि YouTube की जो मशीन है उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी को भी कि इसने जो है यानी कि इस बंदे ने मेरे चैनल के वीडियो को कॉपी किया है, ये सॉन्ग को कॉपी किया है। YouTube का जो AI सिस्टम वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि उसे खुद ही खुद पता चल जाता है कि इस वीडियो में कहीं पर म्यूज़िक यूज़ किया गया है तो इसे कॉपीराइट क्लेम देना चाहिए। और कॉपीराइट क्लेम किस नेम से देना चाहिए, कंपनी का नाम क्या होगा, वो सारा कुछ YouTube के AI सिस्टम को पता होता है। तो अगर आप किसी वेबसाइट से या किसी ऐप से अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को बढ़ाओगे तो क्या YouTube को ये पता नहीं चलेगा कि आपने जो सब्सक्राइबर है या जो व्यूज़ है वो किसी वेबसाइट या ऐप के थ्रू बढ़ाए हैं? तो बहुत सारे लोग जो अपने चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए जो है किसी भी ऐप को एक्सेस दे देते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप मिलते हैं कि सब फोर सब ऐप, तो उसमें जाके आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी पड़ती है। उसके बाद ईमेल आईडी ऐड करने के बाद वो ऐप जो है आप लोगों से कुछ परमिशन मांगती है, तो आप लोग जो बिना उसे पढ़े अलाउ कर देते हो। उसके बाद जो है कभी अगर आपका फ्यूचर में चैनल अच्छा चल जाता है तो वो ऐप जो है, ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता कि हर ऐप ऐसा करती है, पर अक्सर ऐसी ऐप होती है कि जो जब चैनल ग्रो हो जाता है उसके बाद चैनल को हैक कर लेती है, उसका एडसेंस अकाउंट चेंज कर लेती है, उसका जो भी पैसा होगा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है।
तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोग तो अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी कर लेते, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर देते, पर जब वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजते हैं तो उनका चैनल जो है नॉट एप्लीकेबल बताता है, क्योंकि यूट्यूब पे पता चल जाता है कि इन्होंने जो सब्सक्राइबर और जो व्यूज़ है वो फेक तरीके से लिए हैं। तो जो भी लकी पांडे के फॉलोअर है या जो भी उनके सब्सक्राइबर है, आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये सच है या झूठ है, या किसी वेबसाइट से या किसी ऐप से अगर आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को बढ़ाते हो, सबसे पहली बात तो उस पर सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते, पर एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर कोई भी ऐप प्रोवाइड ही नहीं करती, और अगर प्रोवाइड करती भी है तो बाद में वो जो सब्सक्राइबर है वो भी आप लोगों के जैसे ही रहते, बाद में वो जो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते, जिससे कि अगर जैसे आज आपका जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और आपका चैनल अगर बाय चांस मोनेटाइज भी हो जाता है, आपका लक अच्छा रहता है चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद अगर लोगों ने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया, तो जो 1000 सब्सक्राइबर है उससे अगर 900 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 980 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं, तो आपका जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है वो टूट जाता है, तो यूट्यूब जो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ही डिसेबल कर देता है। तो आप लोग अभी मुझे खुद कमेंट करके बताओ, जब हम अपने वीडियो में किसी भी म्यूज़िक को यूज़ करते हैं तो हमारी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम ऑटोमेटिक आ जाता है, जब हम किसी का भी वीडियो को कॉपी करते हैं तो उस पर स्ट्राइक देनी है या नहीं देनी है वो भी यूट्यूब को पता चल जाता है, अगर हम अपनी वीडियो में कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ वीडियोज़ बनाते तब भी यूट्यूब को पता चल जाता है, अगर 18+ हम लोग वीडियोज़ बनाते तब भी यूट्यूब हमारी वीडियो पर ऑटोमेटिक एज रजिस्टर लगा देता है, YouTube को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है YouTube पे जो बताता है कि इस चैनल ने इस वीडियो में म्यूज़िक यूज़ किया है, इस चैनल ने इस वीडियो पे जो है 18+ का कंटेंट बनाया है, YouTube को ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारा वीडियो प्रोसेसिंग में जाता है तब YouTube का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो हमारी वीडियो को पूरा एनालाइज करता है कि हमने अपने वीडियो में क्या क्या कीवर्ड यूज़ किए हैं, हमने अपने वीडियो में क्या क्या बोला है, और हमारे अपने टाइटल में क्या यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन में क्या यूज़ किया है, ये सब जो प्रोसेसिंग में चेक होता है। तो यार जो भी अपने ऐप या वेबसाइट से सब्सक्राइबर बढ़ाने की सोच रहे हो तो आप लोग अपने दिमाग से ये सब निकाल दो, जितनी मेहनत आप वेबसाइट पे जाकर या ऐप में जाकर सब्सक्राइबर बढ़ाने की सोच रहे हो उतना अगर आप कंटेंट पे ध्यान दोगे, अच्छे से कंटेंट अपलोड करोगे तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है जिसमें आपको जो है SEO किस तरह से करना है, वीडियो अपलोड किस तरह से करना है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दी गई है। एक और मैं बात आप लोगों को बताता हूँ, जो टेक्निकल योगी सर है जो आज 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, धर्मेंद्र सर है माय स्मार्ट सपोर्ट चैनल से, मनोज देव भाई है, क्या इन्होंने अपने चैनल पर कभी ऐसा वीडियो बनाया कि एक वेबसाइट से 50,000 सब्सक्राइबर? अगर वो बनाते तो उनके भी पास ज़्यादा ऑडियंस जाती है, आज उनके 1 मिलियन है तो उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर होते, तो उन्होंने ये सब क्यों नहीं बताया? उन्होंने जेन्युइन तरीका बताया और वो जेन्युइन तरीके से आगे भी बढ़े हैं। तो लकी पांडे भाई से मुझे कुछ मतलब नहीं है कि वो किस तरह से कंटेंट बनाते हैं, क्या अपलोड करते, बस मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता था कि उन्होंने मेरे थंबनेल को कॉपी किया है, और वो खुद अपने वीडियो में बोलते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर के कंटेंट को कॉपी करते हैं, उनको जैसे छोटे यूट्यूबर को व्यूज़ नहीं आते। तो लकी भाई आपने खुद ऐसा किया है तो आप मेरे चैनल पर व्यूज़ कैसे आएंगे, या मेरे उस वीडियो पर व्यूज़ किस तरह से आएंगे? आप इतने बड़े क्रिएटर हो गए, 80,000 से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर है, तो आपको थोड़ा टाइम निकाल के थंबनेल तो बनाना चाहिए था। आपने थंबनेल भी मेरा कॉपी किया और आप वीडियो में भी ये बोलते हो कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो अपने छोटे यूट्यूबर के जो कंटेंट को कॉपी करते हैं, तो ये तो गलत बात हो गई है। तो यहाँ पर मुझे उनसे कुछ भी पर्सनली कुछ भी लेन देन नहीं है, वो अपनी तरह अपना वीडियो बनाते हैं, लोग उनको पसंद करते तो वो उनकी मर्जी है। मैं अपना कंटेंट डालता हूँ, मैं जिस तरह भी कंटेंट डालता हूँ उस पर मुझे भरोसा है कि लोग मुझे पसंद करेंगे या मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, और उसी के बेस पर मैंने आज 18,000 सब्सक्राइबर किए हैं। 2 साल हुए, बहुत ही पीछे चल रहा हूँ मैं, फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने किसी का मतलब फेक बता के या किसी को भी वेबसाइट के बारे में किसी ऐप के बारे में बता के अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए। जो भी बढ़ाए जिस तरह से भी बढ़ाए वो जेन्युइन तरीके से बढ़ाए और अपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके बढ़ाए हैं। तो अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपको सब्सक्राइबर जो या सब्सक्राइबर जो व्यूज़ है वो ऐप से बढ़ाना है, वेबसाइट से बढ़ाना है, या जेन्युइन तरीके से काम करके बढ़ाना है, क्योंकि यूट्यूब का जो AI सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि किसने कहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो शायद बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है पर ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन में जाता है ना तो YouTube हमारे वीडियो का वॉच टाइम भी चेक करता है। जिस भी वीडियो से हमें सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला होगा ना उस वीडियो को YouTube एनालाइज करता है कि इस वीडियो का ट्रैफिक कहाँ से आया है, इस पर व्यूज़ कहाँ से आए हैं, इस पर मतलब लाइक और डिसलाइक का रेशियो क्या चल रहा है, ये सारा कुछ हमारा चेक होता है। तो जब आपके चैनल पर अगर आप किसी वेबसाइट से 1000 सब्सक्राइबर कर भी लेते हो, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट भी कर लेते हो, तो उसके बाद जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन में जाएगा, जब YouTube चेक करेगा तो YouTube को ये क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम अपनी वीडियो में गूगल एड्स का भी यूज़ करते हैं ना तो हमारे एनालिटिक में शो हो जाता है कि हमने गूगल एड्स यूज़ किया है, वहाँ पर जो गूगल एडवर्टाइजमेंट शो होता है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को किस तरह से वर्क करना है, अगर आप जेन्युइन तरीके से वर्क करते हो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पर आप यूट्यूब से पैसा भी कमा पाओगे और अपने चैनल को ग्रो भी कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।